सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी क्लासेस रोज अटेंड कर सकें। हाय फ्रेंड, वेलकम टू आउट ऑफ द क्लासरूम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट वन डेवलपमेंट के पार्ट वन यानी कि फ्रंट एंड लैंग्वेज के टॉपिक वन के बारे में, जो था हमारा HTML। जो लोगों को नहीं पता है कि फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या है, वो हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम फ्रंट एंड लैंग्वेज के टॉपिक वन के बारे में, जो था हमारा HTML। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML होता क्या है। HTML एक सिंटैक्स होता है जो डिफाइन करता है कि हमने जो कोडिंग की है वो किस टाइप की है। तो HTML में हम जो कोडिंग करते हैं वो डिफाइन करता है कि वो एक वेबसाइट के लिए कोडिंग की गई है, और HTML सिंटैक्स की वजह से हम उसे वर्ल्ड वाइड वेब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम HTML के फुल फॉर्म के बारे में। HTML होता क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है? तो हम सिंपली अभी गूगल ओपन करेंगे। अब गूगल में मैंने सर्च किया था हेलेस कॉमेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास हेलेस कॉमेट की इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर अभी दो टाइप के टेक्स्ट है, एक तो नॉर्मल टेक्स्ट और एक हाइपर टेक्स्ट। जो हमारा ब्लैक वाला है वो एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो कुछ भी रिएक्ट नहीं हो रहा, और वही हम ये ब्लू वाले टेक्स्ट पे अगर क्लिक करें तो ये हमें दूसरे पेज पे ले जाता है। तो यही होता है हाइपर टेक्स्ट। एक डिजिटल टेक्स्ट होता है जो हमें वन पेज से सेकंड पेज पे और सेकंड पेज से थर्ड पेज पे ट्रांसफ़र करता है। तो ये हो गया हमारा हाइपर टेक्स्ट। अब मार्कअप क्या होता है? तो मार्कअप होता है इस पेज में जो हम टेक्स्ट देख रहे हैं उसे एक वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि कोडिंग। वेबसाइट बनाने के लिए या ये पेज बनाने के लिए हमें जो कोडिंग करनी पड़ेगी वो हो जाएगा हमारा मार्कअप। तो मैं ये पेज को अभी सिंपली डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं इस पेज को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने जो पेज देखा था उसके कोडिंग। तो हमने देखा था हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं मार्कअप क्या होता है। तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML और HTML ब्रैकेट ओपन HTML तो ब्रैकेट क्लोज HTML, इन सब के बीच में जो हेड से लेके हेड क्लोज तक के जो कोडिंग होगी
वो हो जाएगा हमारा मार्कअप, ठीक है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट यानी कि हम जिसके ऊपर अगर क्लिक करें तो हमें वन पेज से सेकेंड पेज पे ट्रांसफ़र करता है, वो हो गया हमारा हाइपर टेक्स्ट। और उस पेज को जनरेट करने के लिए जो कोडिंग लगेगी वो हो गया हमारा मार्कअप। तो अभी हम बात करते हैं HTML। अगर हमने एक HTML का प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो उसे सेव कैसे करते हैं? अगर आप कंप्यूटर HTML के कोडिंग कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको सिंपली नोटपैड ओपन करना होगा। नोटपैड ओपन करने के बाद में नोटपैड में कोडिंग करना होगा। कोडिंग करने के बाद आपको सेव करना है, जैसे कि मैं अभी ये सॉफ्टवेयर मोबाइल में रन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का नाम .html सेव करना होगा। .html हमारा फाइल का एक्सटेंशन या सिंटैक्स है, जिसके वजह से ये फाइल वेब पेज में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप गूगल के लिंक में अगर कोई वेब पेज डालें या उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर फाइल .html होती है। तो ये हो गया आज का हमारा लेसन। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।